हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो कि बहुत ही आप लोगों का डिमांड था, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम लगभग फिफ्थ सेमेस्टर का ड्राइंग लगभग हम 50% कंप्लीट कर चुके हैं, 50 से ज़्यादा हो गया। अब जो बचा है वो मेजर टॉपिक बचा है। हम बताए थे आपको मेजर जो भी टॉपिक बचे हैं वो इस बोर्ड पर नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में। तो अभी हम जाएंगे उसको धीरे धीरे, यानी अब समझ लीजिए रेगुलर बेस पे आपका क्या मिलेगा, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब जो भी बचा है आपका ड्राइंग का वो धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। अब समझिएगा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, अभी तक आप पढ़ रहे थे ड्राइंग, तो ड्राइंग में क्या होता है, हम ड्राइंग पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे ड्राइंग में ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, ड्राइंग हम ज़्यादा कंसेप्ट नहीं दे सकते आपको, ड्राइंग में बस बता सकते हैं ऐसा होता है, इतना होता है, ऐसा बनाते हैं, ये दिखेगा, यही तो हम कर रहे थे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, ये मतलब कंसेप्ट से भरा हुआ है। इसमें आप जितना जितना ज़्यादा हो सके, जितना ही डूबते चले जाएंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। और हम बता रहे हैं हम आपको मतलब ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि आज के बाद आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप बस सेशन में बने रहिए, आज आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई किस किस रास्ते से होते हुए जाना है। समझ रहे हैं बात को, कि भाई रास्ते में ए पड़ेगा, कि कम से कम आप नाम उसको सुने रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब है आज आपका सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम किसका डिस्कशन करेंगे, सिलेबस का, कि सॉइल मैकेनिक्स में है क्या क्या या फिर इसका मतलब क्या होता है। कल से हम शुरू कर देंगे आपका टॉपिक वाइज सेशन, ठीक है। समझिएगा सबसे क्या है आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, है ना। कौन सा टॉपिक है आपका सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहला हमको पढ़ना इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है हमको, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, परिचय पढ़ना है। परिचय में हम क्या पढ़ेंगे कि सॉइल बनता कैसा है, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल बनेगा कैसे, सॉइल का मतलब कि सॉइल क्या होता है, टूटता है, टूट करके वहाँ से आकर कहीं जमा होता है, जमा होने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, फिर वो मिट्टी बनता है, फिर टूटता है, यानी ये क्या होता है, सर्कुलर चलता रहता है ना, जमना टूटना फिर ट्रांसपोर्टेट होना, ये क्या होगा, चलता रहेगा। फिर डिफरेंट टाइप के हम लोग सॉइल पढ़ेंगे, जैसे कि टालस क्या होता है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, लोएस क्या होता है, जैसे कुछ मिट्टी क्या होता है, जैसे रेगिस्तान में, रेगिस्तान की मिट्टी क्या होगी कि उड़ उड़ के एक जगह से दूसरे जगह उड़ उड़ के जमा होगी, उसे हम दूसरी मिट्टी कहेंगे। जैसे नेपाल से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, वो अपने साथ कुछ मिट्टी लेके आएंगी, उस मिट्टी को कुछ और करेंगे। जैसे आपके पास समुद्र हो गया, उसके तलछटी में जो मिट्टी है उसे और कहेंगे, जो झील है झील के मिट्टी में कुछ और कहेंगे, है ना, जो आपका बर्फ वगैरह जमा है वहाँ की मिट्टी को कुछ और करेंगे। तो जनरली इंट्रोडक्शन में ये सब पढ़ना है कि मतलब कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं या फिर मिट्टी कैसे बनते हैं, उसका फिजिकल क्या है, मतलब कैसे फिजिकल से टूटेगा, केमिकल से टूटेगा वगैरह वगैरह, है ना। तो आपके लिए इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, किसमें इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं, बस हम आपको बताते रहेंगे ऐसा ऐसा होता है, आप समझ जाएंगे। फिर आपका आता है सेकेंड चैप्टर, ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना, यानी मिट्टी का भौतिक गुण। अच्छा प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी चीज़ को देख कर ना हम पहचान लें, प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी चीज़ को देख कर हम पहचान लें। जैसे कि कहीं भी आपका क्लास शुरू होगा और आदमी बोल दे हेलो एवरीवन, तो आपको लग जाएगा कि इंजीनियर पॉइंट में चलता है, वहाँ सर क्या कहते हैं, हेलो एवरीवन, है ना। तो क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, हम हेलो एवरीवन से ही शुरू करते हैं। यानी क्या होता है कि किसी चीज़ को देखकर हम पहचान लें कि ये चीज़ होता है। जैसे हम कह दें मेरे पास कुछ चीज़ है, समझिएगा मेरे पास कुछ चीज़ है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, तो आपको पता चल गया ना क्या है, मेरे पास पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, पानी का फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए इसके आगे आप जितना स्टार लगा लीजिए उतना कम पड़ेगा आपके सिलेबस के लिए, आगे के लिए, यानी फ्यूचर के लिए, ये मोस्ट जितना कह दीजिए उतना इंपॉर्टेंट है क्या आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यानी जिसका ये चैप्टर तैयार हो गया और समझ लीजिए कि 30-40% उसका सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया, कौन सा आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, है ना। पहला हम हिंदी लिख दे रहे हैं परिचय, ठीक है,
उसके बाद है मिट्टी का भौतिक गुण, है ना, मिट्टी का भौतिक गुण। तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और एक भी चीज़ ऐसा समझ ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना समझ आए। जैसे वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है ना, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सारे सारी चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्या पढ़ना हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी मृदा का वर्गीकरण, क्या है आपका, मृदा का वर्गीकरण। इसमें हम क्या देखेंगे कि मिट्टी जो है, हम कह दें एक मिट्टी है वो 3 mm मोटा है ना, 3 mm का है, तो आप इसको समझ जाएंगे कि जो मिट्टी है वो कौन सा है। जैसे कई प्रकार के मिट्टी होंगे, जैसे कि ग्रेवल होगा, क्ले होगा, सिल्ट होगा, है ना, फिर बोल्डर होगा, कोबल होगा, तो फिर दोनों का मिक्स जाता है ना, जैसे कि सिल्टी क्ले, यानी सिल्ट भी रहेगा, क्ले भी रहेगा, है ना। तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि उसको मिट्टी को हम साइज देखकर या फिर जो भी हो उसको देख के हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं कि इतना साइज है तो ए है, मिट्टी का इतना साइज है तो इस कैटेगरी में, इतना साइज है तो इस कैटेगरी में। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो एक क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मृदा को जैसे हम कहते हैं क्ले, तो आपके माइंड में क्ले तुरंत आ जाएगा, क्ले का डायमेंशन क्या होता है, क्ले का बिहेवियर क्या होता है ना। जैसे कि आप समझ लीजिए, हम कहते हैं एक मिट्टी है जो बहुत ही छोटी है, उसमें जो प्लास्टिक का गुण आता है, प्लास्टिक गुण हम कहने का मतलब कि उसको हम क्या करते हैं, गूथ करके, है ना, गूथ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी संरचना में डाल सकते हैं, बहुत पतली है, तो क्या जो पत्थर होते हैं चट्टान, उसको एकदम एकदम चिकनी मिट्टी इतना पतला पीस दीजिए, तो क्या उसको किसी मोल्ड में यानी किसी शेप में हम ढाल सकते, नहीं ढाल सकते, तो उसको किसी और कैटेगरी में, यानी जो चिकनी मिट्टी है उसको किसी और कैटेगरी में, और पत्थर जो है उसको किसी और कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि चिकनी मिट्टी को हम उसको हम दोबारा ढलाई कर सकते हैं, लेकिन जो पत्थर है उसको हम कितना भी महीन पीस दें लेकिन उसको हम ढलाई उसके मिट्टी का हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। बात को समझ पा रहे हैं। जिसमें हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद चौथा आपको पढ़ना है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, है ना। अब देखिए इसका छोड़ते हैं हिंदी, यानी क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली कि पारगम्यता क्या होता है। जैसे देखे होंगे एक मिट्टी से, है ना, जैसे ये समझ लीजिए, यदि क्या है कि यहाँ हम पानी, यहाँ मान लीजिए कोई एक कपड़ा है, तो यहाँ पानी लगेगा ना, धीरे धीरे कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर, है ना, कैपिलरी द्वारा ऊपर चढ़ जाएगा। तो मिट्टी में भी यही क्रिया होता है, मिट्टी पानी एक जगह से दूसरे जगह जब फ्लो होगा तो वो प्रत्येक कण से होते हुए फ्लो होगा, है ना। तो हमको किस में पढ़ना है, पारगम्यता या फिर सीपेज, है ना, पानी का धीरे धीरे दीवार पकड़ के ऊपर चढ़ जाना, वैसे जैसे देखेंगे ना दीवार पकड़ के पानी ऊपर चढ़ा जाता है, रिस जाता है, है ना, सिम जाता है, उसी तरह हम सीपेज पढ़ेंगे, परमिबिलिटी पढ़ेंगे कि भाई अब ज़मीन के अंदर पानी कैसा बिहेव करता है ना, कैसे कैसे फ्लो करता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा फोर्स लगाता है, वो हम किस में पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ वाटर थ्रो सॉइल, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या हमको पढ़ना है, इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। अब देखिए इसमें भी क्या लगा लेना है आपको, एकदम स्टार लगा लेना है, इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या करना है, एकदम स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग अभी तक स्ट्रेस पढ़े होंगे, जनरली आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे या फिर सोम पढ़े होंगे, जो भी आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट, उसमें हर जगह स्ट्रेस पड़े थे, स्ट्रेस मतलब टोटल स्ट्रेस, लेकिन इसमें हमको क्या पढ़ना है, इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या पढ़ना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होता है, आप जानते हैं जो मिट्टी है ना, मिट्टी कभी भी सिर्फ मिट्टी नहीं रह सकती, क्या मतलब है ये समझिएगा, ये आप क्या लिए, मार्कर लिए हैं, ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है ना, कुछ किसी का भी बना हो, ये मान लेते हैं कुछ भी है, तो इसके बीच में सिर्फ क्या है, प्लास्टिक के ही मटेरियल है या फिर आयरन के ही है, क्या इसके बीच में हवा है, नहीं है, है ना, ये बोर्ड बना हुआ है, तो क्या बोर्ड के कणों के बीच में हवा है, पानी है, कुछ नहीं है ना। तो हाँ, अभी तक आप टोटल स्ट्रेस लिए थे, लेकिन समझिएगा ये जो मिट्टी होगा ना, कहीं भी जो मिट्टी के कण होंगे, तो मिट्टी के कण कभी भी सिर्फ मिट्टी के कण नहीं हो सकते, उसके बीच में हवा होगा ही होगा। इस मिट्टी को आप कितना भी कंपेक्शन कर लीजिए, है ना, एक अलग अलग कण है ना, मिट्टी क्या है आपका, अलग अलग, इसको कंपेक्शन मतलब कितना भी इसको दबा लीजिए, उसके बीच में थोड़ा ना थोड़ा हवा तो रहेगा ही रहेगा,
हवा निकाल देंगे, तो हवा निकालने के लिए क्या करेंगे, पानी डालेंगे, तब भी उसके स्थान यानी प्रत्येक कणों के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान बचेगा, तो उसके बीच में हवा या फिर पानी, जनरली हम क्या कह सकते हैं कि कणों के बीच में कुछ रंध्र स्थान रहते हैं, तो रंध्र स्थान को निग्लेक्ट करके जब हम स्ट्रेस को काउंट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमको पढ़ना है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना, क्या पढ़ेंगे आप, डिफार ये क्या है, प्रभावी प्रतिवर्त। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, प्रभावी प्रतिवर्त, है ना। अगला क्या है आपका, डिफॉर्मेशन, क्या पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना। इसमें जनरली क्रीप वगैरह पढ़ना है कि किसी मिट्टी पर लगातार यदि लोड लगा रहे तो उसका कैसा डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, यानी मृदा का विरूपण, मृदा का विरूपण, है ना। अब क्या करेंगे हम, लो रूम लेकर आते हैं तो अगल बगल से थोड़ा थोड़ा तो आवाज़ आपको आ सकता है। ठीक है, जो किसको किसको मना करें, और समझिएगा। सातवां क्या पढ़ना है आपको, अगला पढ़ना है सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, क्या पढ़ना है आपको, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। यानी मृदा का, ये तो सीयर स्ट्रेंथ आप जानते हैं, मृदा का कर्तन प्रतिबल। ठीक है, क्या पढ़ना है, मृदा पर कर्तन प्रतिबल लगेगा तो मृदा कैसे फेल होगा, है ना, क्योंकि सीयर तो हर जगह आ रहा है, जहाँ लोड लगेगा वहाँ सीयर आएगा, है ना, आप लोग जानते हैं आरसीसी वगैरह पढ़े होंगे। तो मृदा पे सीयर के प्रभाव में यानी लोड के प्रभाव में मृदा का सीयर फेल्योर कैसे होगा, कब होगा, कितने लोड पे होगा, कहाँ होगा, सारी की सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। किस में, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। देखिए जहाँ स्टार लगा रहे हैं ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूँकि पूरा सॉइल ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल में कोई ऐसा चीज़ ना हो कि आपको छोड़ सकें, कोई सा इसमें से कोई ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए या फिर इसके लिए, लेकिन जो हम स्टार लगा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक यानी पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में यदि जेईई के एग्जाम में ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है तो वो क्या है आपका, सॉइल मैकेनिक्स, मतलब कि हम जितना कह दें उतना कम ही है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आठवां, पढ़ेंगे कॉम्पेक्शन, क्या पढ़ेंगे, कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन, क्या पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मृदा का कर्तन सामर्थ्य, क्या हो जाएगा, कंपेक्शन एंड कंसोलिडेशन यानी सहनन, संघनन और संघनन, दिख तो रहा है ना, क्या हो जाएगा इतना, सहनन और संघनन। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, अब समझिए। अब क्या होता है, आप लोग देखेंगे जब आपके घर में मकान बनता है तो सबसे पहले नींव खोदते हैं, नींव खोदने के बाद दुरमुट से क्या करते हैं, उसको हम कुटाई करते हैं, है ना, या फिर फर्सी वगैरह कुछ भी बनता है तो उसमें क्या करते हैं, दुरमुट से उसको पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा कूटते हैं, या फिर रोड ही बनता है, देखिए रोड बनने से पहले उस पर क्या चलाते हैं, कई बार रोलर चलाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें से हम किसको निकालते हैं, हवा को निकालते हैं, और किसको निकालते हैं, पानी को, नहीं तो क्या हो गया, कोई स्ट्रक्चर है उस पर आप बना दीजिए पूरा मकान, कोई स्ट्रक्चर है बिना हवा पानी निकाले, समझ रहे हैं, मकान बना दीजिए, अब क्या होगा, मकान खड़ा हो गया तो क्या हो गया, अचानक कहीं से हवा निकल गया, कहीं से पानी निकल गया, है ना, तो मकान क्या हो जाएगा, मतलब कि समझ रहे हैं, एक तरफ का धंस जाएगा, दूसरे तरफ का कुछ और धंस जाएगा। तो इससे बचने के लिए यानी फ्यूचर में फेल्योर को बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंपेक्शन एंड कंसोलिडेशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, अब जिस गली मोहल्ले में रह रहे होंगे तो वहाँ देखे होंगे जो रोड बना रहता है ना, या फिर खड़ंजा हुआ रहेगा ईंट का या फिर कंक्रीट का या फिर जो भी हुआ रहेगा, वो रोड में देखेंगे कहीं कहीं ना धंस गया रहता है, कहीं कहीं रोड क्या हो गया रहता है, थोड़ा थोड़ा धंस गया रहता है। क्यों धंसता है, क्योंकि रोड बनाने से पहले उसका कंपेक्शन यानी उसको दबा दबा के हवा नहीं निकाला गया, दबा दबा के पानी नहीं निकाला गया, जिसके कारण रोड बनने के बाद जब उसमें से हवा और पानी, भाई रोड बनने के बाद जब उस पर लोग चलेंगे तो हवा पानी दब के निकलेगा, निकलने के बाद दो रोड क्या होता है, धंस जाता है, क्योंकि हवा बाहर निकल गया पानी चला गया तो रोड क्या हो जाता है, धंस जाता है। इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर बनता है जैसे रोड वगैरह बनता है तो कई बार उसको क्या किया जाता है, उसको दबाया जाता है, क्यों, उसमें से हवा और पानी निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपेक्शन, हवा निकालना कंपेक्शन, पानी निकालना कंसोलिडेशन कहलाता है। ठीक है, अगला हमको पढ़ना है 9 नंबर सॉइल एक्सप्लोरेशन, क्या पढ़ना हमको, सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन में जनरली हम क्या करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे कि फील्ड में कैसा टेस्ट करना है, और उसी मिट्टी को जब आप लेके आएंगे, समझिएगा फील्ड में तो कुछ और मिट्टी है, लेकिन हर काम हर एक चीज टेस्ट को हम फील्ड में नहीं कर सकते हैं,
कुछ टेस्ट ऐसी होती है जो हमको मजबूरी में लैब में करना होगा, तो उस मिट्टी को जब हम वहाँ से खोद करके लैब में लाएंगे तो वैसा के थोड़ी मिट्टी रहेगा, जो जो मिट्टी आपका फील्ड में है सेम वैसा मिट्टी आपका लैब में रहेगा नहीं, उसमें क्या होगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगा उसको मतलब उसमें हम जो पढ़ेंगे क्या क्या हम सावधानी बरतेंगे, क्या क्या काम करेंगे कि सिर्फ फील्ड की तरह मिट्टी मेरा बन जाए, उसको हम पढ़ेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। दसवां हमको पढ़ना है बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी। अब बियरिंग कैपेसिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, बियरिंग कैपेसिटी मतलब हुआ धारण क्षमता, क्या होता है धारण क्षमता। अब धारण क्षमता क्या होता है, अब धारण क्षमता यानी किसी पर बियरिंग आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग यदि हमसे RCC पढ़े होंगे, बियरिंग मतलब जहाँ दो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, समझिएगा बियरिंग मतलब क्या हुआ, समझिए ए कोई मटेरियल हो गया, ठीक है, ये दूसरा मटेरियल हो गया, समझिएगा ये एक मटेरियल है दूसरा, जब इस पर हम कंपेक्शन यानी कंप्रेशन लोड डालेंगे तो प्रत्येक देखिए यहाँ कौन सा प्रतिबल मिलेगा, यहाँ कौन सा संपीड़न प्रतिबल, यहाँ कौन सा प्रतिबल मिलेगा ऊपर से दबाए हैं तो मान लेते हैं नीचे फिक्स है संपीड़न, यहाँ कौन सा प्रतिबल मिलेगा संपीड़न, यहाँ कौन सा प्रतिबल मिलेगा संपीड़न, लेकिन जहाँ दोनों मटेरियल कॉन्टेक्ट हो रहे हैं वहाँ कौन सा प्रतिबल मिलेगा बियरिंग स्ट्रेस, बात को समझ रहे हैं, यानी बियरिंग क्या होगा जो अलग अलग मटेरियल जहाँ कॉन्टेक्ट कर रहा है उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे कौन सा स्ट्रेस मिलेगा आपको, बियरिंग स्ट्रेस मिलेगा, क्या मिलेगा धारण क्षमता। तो ये मिट्टी है ऊपर से आप लोड लगाएंगे तो दो मटेरियल कॉन्टेक्ट हुआ, मिट्टी और लोड, और इसके साथ साथ जो मिट्टी के तल होते हैं जो नीचे मिट्टी नीचे ज़मीन खोद के देखेंगे तो क्या होगा, इतना दूर कुछ और मिट्टी का किसी और तरह का मिट्टी होगा, इसके ऊपर किसी और तरह का मिट्टी होगा, है ना, इसके ऊपर किसी और तरह, है ना, मिट्टी का क्या है लेयर है भाई, ज़मीन के अंदर मिट्टी का कुछ कुछ क्या रहता है, अलग अलग टाइप के मिट्टी के लेयर रहते हैं। तो देखिए दो अलग अलग मटेरियल हो गया उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट पर कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, बियरिंग स्ट्रेस, समझ आया। तो उसका हम अध्ययन किस में करेंगे, हम करेंगे बियरिंग कैपेसिटी यानी धारण क्षमता कि कोई मिट्टी कितना लोड ले सकता है, किस प्रकार का लोड ले सकता है, कब तक लोड लेगा, क्यों लेगा, क्यों नहीं लेगा, इसका हम स्टडी कहाँ करेंगे बियरिंग कैपेसिटी में। और 11 नंबर नीचे जगह नहीं है तो 11 नंबर हो जाएगा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग, है ना, क्या पढ़ना हमको 11 नंबर फाउंडेशन इंजीनियरिंग यानी नींव अभियांत्रिक, ठीक है, क्या पढ़ना आपको नींव अभियांत्रिक। तो फाउंडेशन के बारे में तो आपको बताना नहीं है, फाउंडेशन मतलब क्या हो गया कि उथली नींव गहरी नींव, है ना, तो यही सब पढ़ेंगे हम किस में फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे होते हुए जाना है। अब देखिएगा हम पढ़ाएंगे क्या, कोई ज़रूरी नहीं कि जिस सिक्वेंस में हम लिखे हैं उसी सिक्वेंस में हम क्या करें आपको हम पढ़ाएं, ठीक है, हम जो पढ़ाएंगे वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे भाई, पहला दूसरा तीसरा पढ़ाएंगे, हो सकता है चौथा पांचवा छोड़ के छठे पर चले आएँ, हो सकता है इसको इसको छोड़ के इसको पढ़ा दें फिर इसको पढ़ाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपका कंप्लीट कर दें। लेकिन ये बात जान लीजिएगा आपका क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, आप एक बार पढ़िए उसके बाद फिर देखिएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। हम जिस दिन लाइव आएंगे ना उस दिन फिर आप समझ सकते हैं लाइव में कुछ और ही मज़ा आता है, जैसे कि अभी हम कुछ बताए होंगे तो हो सकता है कुछ डाउट हो, थोड़ा सा ना समझ आया हो, अभी हम लाइव रहते तुरंत देख लेते, आपको तुरंत बता देते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हम तुरंत लाइव आते हैं फिर इंटरेस्ट आएगा थोड़ा पढ़ने में, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे, देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाइएगा अच्छे से, हम कोशिश करेंगे अच्छे से लिखवा दें नोट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।